हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम आशीष बेक और ये छोटा सा ब्लॉग है हम 12 जीजीयू के दोस्तों की एक छोटी सी वाइजैक ट्रिप की। हमारा ट्रेन था बिलासपुर जंक्शन से विशाखापट्टनम जंक्शन, जो कि 12 घंटे लगा और सीट अलग बोगी में होने की वजह से आपका भाई अकेला इस सफर के मजे लेता हुआ गया। और आखिरकार कई सारे स्टेशन और बहुत सारे सुंदर नजारे देखने के बाद हम पहुंच गए विशाखापट्टनम। हम सब ने होटल में थोड़ा देर आराम किया और बीच के लिए रेडी होकर निकल पड़े हम रसिकोंडा बीच की ओर। इस जगह की सुंदरता के बारे में तो क्या ही बताऊं, बहुत ही सुंदर है। हम लोग तो यहीं पर बसने का प्लान करने लगे थे। ओ ये क्या, कुछ दोस्त तो वीडियो कॉल से ही यहाँ के मजे ले रहे हैं। हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके, बाकी लड़कियां तो अलग ही कार में आ रही हैं। म्यूजिक चेंज। तो अब आप सोच रहे होगे बस इतना ही मजा बीच में। अरे नहीं रुकिए, मेन मजा तो अभी दिखा रहा हूँ आपको। हम लोगों का 12 लोगों का ग्रुप था, सब समंदर में हाथ पे हाथ मिला के गए और अपने तरीके से मजे लेने की कोशिश कर रहे थे। और समंदर के पानी की क्या ही बात करूं, बहुत खारा होता है, टेस्ट करके देखना कभी। और बीच में फुटबॉल लेके नहीं आए तो क्या ही मजा। और हम लोगों ने बीच में इतना एंजॉय किया कि टाइम कम पड़ गया सुबह से लेके पूरा शाम तक। तो बहुत सारा जगह हम लोग को जहां घूमना था वो हमने स्किप कर दिया। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था ये फिल्म सिटी, लेकिन हमने इसे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया बल्कि यहाँ के सुंदर नज़ारे देखते हुए अपना टाइम थोड़ा स्पेंड किया। इसके बाद हम निकल चले कैलाशगिरी की ओर और शाम तक तो इतना भीड़ हो जाता है वहाँ जाने के लिए कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो आप सुबह जाइए तो भीड़ कम रहेगा। और यहाँ वाइजग में आप समंदर का किनारे वाला नज़ारा कहीं से भी देखो बहुत ही सुखमय लगता है। हाँ हम जा रहे घूमने पार्क। एक दिन में हम लोगों ने बस इतना ही घूमा। ये ट्रिप हम लोगों ने बहुत ही छोटा प्लान किया था, इसलिए दूसरे दिन ही शाम को हमारा ट्रेन भी था। तो जितना बचा हुआ समय था उसमें हम लोगों ने आसपास घूम करके साइट सीइंग किया। ये है यारादा बीच, बहुत ही डेंजरस बीच है, नहाना वहाना कुछ चलाओ नहीं है। यहाँ लहरें देख रहे हो, यहाँ की पूरा खींच के ले जाती है अपने अंदर। जगह तो बहुत ही सुंदर है लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक भी है।
इसके बाद हम गए डॉल्फिन स्नोज जो कि एक लाइट हाउस है और यहाँ चढ़नी तो बहुत ही मुश्किल की बात है, सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। और यहाँ से नज़ारे देखो कितना ही सुंदर लगता है, बगल में ही पोर्ट है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न बनाते हुए बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। इसके बाद हम गए पोर्ट जहाँ हमने मछुआरों की बोट्स देखे और बहुत सारे मछलियाँ भी, और उसी शाम हम लोगों ने बहुत सारे म्यूजियम्स भी घूमे। आरके बीच के सामने ही बहुत सारे नेवल म्यूजियम्स हैं, आरके बीच पे एक सबमरीन भी है। तो हमारा जर्नी कंक्लूड होता है ढेर सारी मस्तियाँ, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारे सुकून के साथ। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो मुझे बताइए कमेंट में कि कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। थैंक यू, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा।